A box contains 10 red marbles, 20 blue marbles and 30 green marbles. एक बॉक्स में 10 जो हैं हमें रेड मार्बल्स गिवन है, 20 ब्लू मार्बल्स गिवन है एंड 30 ग्रीन मार्बल्स गिवन है. रेड है हमारे पास 10, ग्रीन है 30 और ब्लू है 20. तो टोटल हो गए हमारे पास मार्बल्स 30 प्लस 10 प्लस 20, दैट इज 60. टोटल 60 हो गए. अब 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स. जो हम बॉक्स है उसमें से 5 मार्बल्स निकाल रहे हैं, यानी कि टोटल जो है सिलेक्शन हमारी बनी 5 हम सिलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 60. सो इट मींस ये बन गया 60C5. 60 में से हम 5 सिलेक्ट कर रहे हैं. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है एक तरह से अगर हम कहें तो दैट इज 60C5. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू. अब सभी के सभी जो हैं, जो हमने 5 निकाले, वो सभी के सभी क्या हैं? ब्लू हैं. टोटल ब्लू में है 20. तो इट मींस जो हमारे फेवरेबल बने केसेस दैट विल बी 20C5. 20 ब्लू थे, उसने कहा ऑल विल बी ब्लू. तो 20 में से जो हमने 5 सिलेक्ट किए वो इन 20 में से ही सिलेक्ट करेंगे, देन ओनली वी विल गेट द ब्लू मार्बल्स. तो फेवरेबल कंडीशन हो गई 20C5. टोटल जो है आउटकम्स हो गई हमारी 60C5. तो प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स मार्बल्स विल बी ब्लू that is equal to favorable divided by total. So in में आपने ध्यान रखना है कि total number आपको 60 given था, but 60 के 60 हम choose नहीं कर रहे हैं, 60 में से हम 5 choose कर रहे हैं. Selection हो रही है, तो that can be done in 60C5 ways. और यहाँ पे क्योंकि हमें blue marble ही चाहिए, blue हमारे पास 20 थे, तो ब्लू मार्बल हमारा सिर्फ तभी निकलेगा अगर हम इन 20 में से ही सिलेक्ट करेंगे. तो 20C5 फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. एंड सेकंड पार्ट में वो कह रहा है एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन. अब यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस आपने ध्यान से करने हैं. एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन में अगर मैं लेके चलूं तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे केसेस बनेंगे. या तो 1 ग्रीन आई, या 2 ग्रीन बॉल्स आई, या 3 आई, या 4 आई, या 5 की 5 आई. तो या तो आप इस तरीके से इनको केसेस को लेके चल लो, या फिर हम क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम ले लेते हैं तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं 1 माइनस नो ग्रीन. कि जो हमने 5 बॉल्स निकाली, 5 में से कोई भी बॉल जो है वो हमारी अगर ग्रीन नहीं है तो उसको आप 1 में से अगर माइनस कर देते हो तो इट मींस वी आर हैविंग द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन. एटलीस्ट है तो इट कैन बी 1 2 3 4 5. एक 5 में जो हमने बॉल्स निकाली है, 5 बॉल्स, उसमें से 1 बॉल कैन बी ग्रीन, 2 कैन बी ग्रीन, 3 कैन बी ग्रीन, 4 कैन बी ग्रीन, और ऑल द 5 कैन बी ग्रीन. तो इट मींस कि प्रोबेबिलिटी हमने ले ली 1 माइनस नो ग्रीन बॉल. अब ग्रीन बॉल्स अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास टोटल 30 बॉल्स हैं. इट मींस जो अब हम बॉल निकाल लेंगे वो इन 30 में से एक बॉल होगी. अब सो दैट विल बी 1 माइनस 30C5 अपॉन 60C5. इसको आप सिंप्लीफाई करो, काफी कैलकुलेशंस लंबी हो जाएंगी, तो यू कैन लीव इट अप टू दिस पॉइंट ओनली. So 1 minus 30C5 upon 60C5 will be your answer. ये थोड़ा सेंटर में करके लिखना इस तरीके से. So दोबारा देख लो इसको. At least 1 will be green means एक ग्रीन है, बाकी 5 रेड या ब्लू में से हो सकते हैं, तो उसको हम नॉन ग्रीन ले लेते हैं. अगर 1 ग्रीन है ये फर्स्ट केस बनेगा, ये सेकेंड केस बनेगा, ये थर्ड केस बनेगा, this will be the fourth, and कोई भी non green नहीं, सारी की सारी green आई.
तो ये पांचों केसेस सॉल्व करके आपको ऐड करने पड़ेंगे. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस लॉन्ग मेथड, हमने क्या कर लिया, वन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया कि कोई भी बॉल हमारी ग्रीन नहीं थी. कोई भी बॉल हमारी ग्रीन नहीं है, इट मींस कि एटलीस्ट वन ग्रीन बॉल वी हैव गॉट. इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, फोर कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. अब 52 कार्ड्स हमें गिवन है, उसमें से हम फोर कार्ड्स जो है वो निकाल रहे हैं. तो दैट कैन बी डन इन 52C4 वेज. तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे पास 52C4. पैक ऑफ कार्ड, डेक ऑफ कार्ड, अगर नंबर नहीं भी दिया हुआ तो यू नो दैट पैक ऑफ कार्ड या डेक ऑफ कार्ड में वी आर हैविंग 52 कार्ड्स. एक प्लेइंग कार्ड्स का जो आपके पास होता है पैक, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं और उसमें से वो कह रहा है कि फोर कार्ड्स आर ड्रॉन. तो फोर कार्ड्स आर ड्रॉन मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ ड्रॉइंग द कार्ड्स विल बी 52C4. अब इसके बाद उसने क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थ्री डायमंड्स एंड वन स्पेड. थ्री डायमंड्स एंड वन स्पेड, तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब देखो, थ्री डायमंड्स, डायमंड्स के कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास, टोटल 13. तो 13 में से थ्री कार्ड्स हमने निकालने हैं. और उधर स्पेड्स के कितने कार्ड होते हैं, दे आर अगेन 13. तो 13C1, क्योंकि ये दोनों केसेस इकट्ठे लेंगे तब वो आपके फोर कार्ड्स वाला केस कंप्लीट होगा. तो इसलिए बीच में क्या आ गया, मल्टीप्लाई. एंड ये फेवरेबल केसेस हो गए आपके डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस. सो प्रोबेबिलिटी दैट थ्री डायमंड्स एंड वन स्पेड आर ऑब्टेन्ड इज 13C3 इनटू 13C1 अपॉन 52C4, टोटल नंबर ऑफ केसेस. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. इसमें कोई डाउट तो यू कैन आस्क. चलिए अब थर्ड क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे. A die has two faces, each with number 1, three faces, each with number 2, and one face with number 3. एक die है, अब उस पे instead of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या क्या given है? एक number 1 जो है वो उसके two faces पे है, यानि कि 1, 2 बार exist कर रहे हैं. 2 जो है, three faces each with number 2, यानि कि 2 जो है वो 3 times exist कर रहे हैं. एंड वन फेस विद नंबर 3, और 3 जो है वो वन फेस पे एग्जिस्ट कर रहा है. सो वी आर टू फाइंड, इफ डाई इज रोल्ड वंस, डाई को वन टाइम थ्रो किया गया, तो वी आर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2. सिंपल है, अब आप बताओ इसको. टोटल तो आउटकम्स यू नो दैट इज 6. 2 कितने टाइम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एक दूसरे को मत देखो कि वो कोई और अनम्यूट करके बोल देगा, आप लोग बताइए. 3 टाइम्स, या 2 इज एग्जिस्टिंग 3 टाइम्स, टोटल नंबर 6, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2. सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 3, 1 - 1/2. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1 - 1/2. 1 और 3 के अलावा हमने कर दिया, दैट वन इज आल्सो ओके. अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, क्योंकि अब 1 और 3 आपके साइमल्टेनियसली जो है वो नहीं आ सकते, तो इट मींस ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमने ऐसे भी किया हुआ है, तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है, दिस विल बी 2/6. 3 1 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3/6 यानी कि 1/2. तो अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 - 1/2 लेके भी कर सकते हो. सो बोथ ऑफ द मेथड्स आर करेक्ट. थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 3. 3 नहीं आना, बाकी कोई भी नंबर आ सकता है, तो दैट विल बी 5/6. यस, इट विल बी 5/6, वेरी गुड. सो 5/6. Now moving on to question number 4. In a certain lottery,
10,000 टिकट्स आर सोल्ड, एक लॉटरी का सिस्टम हमें गिवन है जिसमें जो है उसकी 10,000 टिकट्स जो है वो सेल की गई, एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड। इट मींस जो टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस हैं वो कितने हो गए इसमें, 10,000 में से टोटल जो है लॉटरीज जिसकी सेल हुई वो 10,000 थी। अब आपको पता है कि लॉटरी में हर लॉटरी को हम प्राइज नहीं दे सकते हैं, तो उसमें से उन्होंने क्या किया, 10 लॉटरीज पे जो प्राइज है वो फिक्स कर दिया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। तो टोटल नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स गिवन है 10,000 और टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस दैट इज 10। इट मींस कितनी टिकट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई भी प्राइस नहीं है। तो टिकट्स हैविंग नो प्राइस टेन थाउजेंड में से ये 10 आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इतनी जो है आपकी टिकट्स इनके ऊपर कोई प्राइस नहीं है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस इफ यू बाय 1 टिकट एंड इफ यू बाय 2 टिकट्स एंड इफ यू बाय 10 टिकट्स। फर्स्ट पार्ट में 1 टिकट, सेकंड पार्ट में 2 टिकट्स, थर्ड पार्ट में 10 टिकट्स। तो टिकट्स हैविंग नो प्राइस हम यहाँ से निकाल लेंगे कि इन टिकट्स के ऊपर कोई प्राइस नहीं है। अब हमने फर्स्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्राइस, प्रोबेबिलिटी 1 टिकट उसने परचेज की, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस। हाँ जी, देखो अब फेवरेबल केसेस इसके कितने बनेंगे, टोटल टिकट्स जिनके ऊपर प्राइस नहीं है दैट इज 9,990। इसमें से 1 टिकट वो बाय कर रहा है, एंड क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय द टोटल दैट इज 10,000 C1। तो ये आपका हो गया 9,990 अपॉन 10,000 आ जाएगा, जीरोस आप कैंसिल कर देंगे तो योर आंसर विल बी 999 upon 1000. NC1 is N, so 999 upon 1000 is your answer. सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि ऑन बाइंग टू टिकट्स, so that will be, अब दो टिकट्स खरीद रहे हैं तो C2 हो जाएगा दोनों केसेस में, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अदरवाइज यू कैन लीव इट अप टू दिस पॉइंट आल्सो। एंड सेम वे में प्रोबेबिलिटी नो प्राइस ऑन 10 टिकट्स so 9,990 C10 upon 10,000 C10। 9,990 जो है नंबर है जिनके ऊपर कोई प्राइस नहीं है। अब हमें वही देना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई प्राइस उसको नहीं मिल रहा 10 टिकट्स परचेज करने पे, तो दैट विल बी 9,990 C10 डिवाइडेड बाय टोटल। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है आगे, दैट वन इज इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 and 60 आर फॉर्म्ड। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 गिवन है, उसमें से 2 सेक्शंस हमने बनाने हैं। एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स लेने हैं, दूसरे सेक्शन में हमने 60 स्टूडेंट्स लेने हैं। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, और प्रोबेबिलिटी बी जो है दैट इज सेकंड पार्ट बी जो है दैट इज
यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शंस. अब देखो 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 100 में से जो है अगर हम बात करें कि दो स्टूडेंट्स हमने ऐसे लेने हैं जो इधर सेक्शन ए मान लो 40 स्टूडेंट्स का लिया, हमने सेक्शन बी मान लो हमने 60 स्टूडेंट्स का लिया, तो या तो दोनों के दोनों इकट्ठे सेक्शन ए में जाएं या दोनों के दोनों सेक्शन इकट्ठे बी में जाएं. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शंस, दोनों के दोनों जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में जाएं. तो इट मींस जो हम ले रहे हैं वो मेन ये इस पे आ रहा है, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दो जो स्टूडेंट्स हैं जो दो फ्रेंड्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इट मींस 100 में से वो दो बच्चे हम चूज कर रहे हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 100 में से उन दो को आप छोड़ दो. अब आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स टू सेक्शंस हम फॉर्म कर रहे हैं, तो टू स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 कैन एंटर इन अ सेक्शन इन 100C2 ways. 100C2 ways में वो जो है स्टूडेंट्स एंटर कर सकते हैं सेक्शन ए में. हम अब यहाँ पे इवेंट ए मान लेते हैं, बोथ स्टूडेंट्स एंटर. In section of 40 students, event B मान लेते हैं, both enter in section of 60 students. Case one हम ले रहे हैं when both of them enter in the same section. Both enter in same section. अब देखो first section हमने क्या माना है कि जो हमारा ये है दोनों के दोनों same section में जा रहे हैं, और section A हमने माना है 40 students वाला, B हमने माना है 60 students वाला, और हम कह रहे हैं कि A जो event है वो 40 students वाले में जा रहे हैं, B जो event है वो 60 वाले में जा रहे हैं. तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस बने वो हमने बनाए 100C2. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी कि वो 40 के मतलब जो है 40 वो उधर जा रहे हैं सेक्शन ए में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी हमारे कि 60 वाले में जा रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मैं ए की बात करूं तो दैट विल बी 40C2/100C2, एंड अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करूं तो दैट विल बी 60C2/100C2. अब हम क्या उसने क्या कहा फर्स्ट में, बोथ एंटर द सेम सेक्शन. या तो आप इस तरीके से कर लो इनको प्लस करके, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि वो दो को हमने एक सेक्शन में डाल दिया, जो हमारे ये दो स्टूडेंट्स जिनको हमने सेम सेक्शन में रखना था इन दोनों को 100 में से हमने निकाल दिया. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब जो बाकियों को, क्योंकि ये दो को हमने या सेक्शन ए में रख दिया या सेक्शन बी में रख दिया, पहले केस लिया हमने इन दोनों को सेक्शन ए में रख दिया. अब जब हमने इन दोनों को सेक्शन ए में रख दिया तो टोटल रह गए हमारे पास 98. सेक्शन कितने का था, 40 का था, तो चूज और कितने करने हैं हमने, 38. तो इस केस में जो हमारा बनेगा दैट विल बी 90C38/100C. कितने का आप इसमें कितने चूज कर रहे हो, 40 चूज कर रहे हो, तो 100C40 ये बना. व्हेन बोथ ऑफ देम एंटर इन द सेक्शन ए, बोथ ऑफ देम एंटर इन द सेक्शन ए, टोटल 100 में से हमने 40 स्टूडेंट्स चूज करने थे सेक्शन ए के लिए. इन 40 में से 2 हमने ऑलरेडी ले लिए, तो 2 जब हमने ले लिए तो 38 स्टूडेंट्स अब हमें सिलेक्ट करने हैं. कितने में से सिलेक्ट करने हैं, 98 में से. तो सेक्शन ए के लिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी बनी दैट इज 98C38/100C40. अब सेम केस बी के लिए लेंगे. अब या तो ये केस बना कि दोनों के दोनों सेक्शन ए में चले गए, या आपका केस ये बनेगा कि दोनों के दोनों सेक्शन बी में जाएंगे. अब बी के लिए अगेन देखो टोटल तो आपका सेम रहेगा, 100 में से 2 हमने ये एक सेक्शन में भेज दिए. अब बी के लिए स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 में से 2 हमने ऑलरेडी ले लिए, तो बाकी कितने चूज करने रह गए, 58. यानी कि दिस कैन बी डन इन दिस वे.
So this is 98 C 58 upon 100 C 60. So this was your case one. दोनों के दोनों या तो सेम सेक्शन में या दोनों के दोनों डिफरेंट सेक्शन में, तो आप चाहे इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 40 में से दो बच्चे वो हमने लेने ही लेने हैं, बाकी जो 38 बच गए वो सारे ले लिए। ये पहला केस बन गया कि दोनों एंटर कर रहे हैं सेक्शन ए में, और दूसरा आप ऐसे ले सकते हो ये दोनों एंटर कर रहे हैं सेक्शन बी में, या ये वाला मेथड फॉलो करो या ये वाला, तो बोथ ऑफ दीज मेथड्स आर एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे आपका इनका इंटरसेक्शन जो है वो नल बनेगा, जीरो बनेगा, क्योंकि दोनों के दोनों केसेस जो हैं वो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, या दोनों इधर गए या दोनों इधर गए, साइमल्टेनियसली दोनों सेक्शंस में वो नहीं जा सकते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 5, तो 40 में से 2 स्टूडेंट्स हमने इधर भेजे, तो बाकी 38 एज इट इज लिए, 40C2 हो गया, 100C2 हो गया, यहाँ पे 60C2 हो गया, 100C2 हो गया। तो वट एवर मेथड यू सी सीम्स दैट सीम्स इजी टू यू, यू कैन फॉलो दैट। अब नेक्स्ट वाले के लिए देखो, सेकेंड पार्ट क्या है, बोथ ऑफ यू एंटर इन द डिफरेंट सेक्शन, बोथ ऑफ यू एंटर इन द डिफरेंट सेक्शन, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, एक को एक में डाल दो, दूसरे को दूसरे में डाल दो। सो एक इधर गया तो 40C1 हो गया, अब 40C1 हो गया यहाँ पे, तो दूसरे में हमें 60 वाले में भेजना है उसको, तो दैट विल बी 60C1 एंड टोटल इज 100C2। अब क्योंकि ये एक और एक, ये दोनों वन वन मिलके आपके टू स्टूडेंट्स बनाएंगे जिनको हमने डिफरेंट सेक्शंस में भेजना है, तो इट मींस दिस इज अ सिंगल केस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। प्रीवियस वाले केस में फर्स्ट पार्ट में वो दोनों के दोनों जब हम सेम सेक्शन में रख रहे थे तो दोनों की सिलेक्शन हो गई थी, तो इसलिए हमने बीच में प्लस का साइन डाला था। यहाँ पे क्या है आपका, ये अलग अलग सेक्शंस में जा रहे हैं, जब हम इनको इकट्ठा लेंगे देन ओनली टू स्टूडेंट्स हमारे चूज हुए, तो दैट्स व्हाई वी हैव पुट अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर हियर। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 लेटर्स आर डायरेक्टेड टू 3 persons. 3 persons हैं हमारे पास, उनको हमने 3 letters जो हैं वो address किए। Letters are inserted into the envelope at random. Randomly जो है letters को insert किया गया इसमें envelopes में, so that each envelope contains exactly one letter. हर envelope में एक letter आएगा ही आएगा, मतलब किसी भी envelope में दो letters जो हैं वो नहीं जा सकते। So, find the probability that at least one letter is in its proper envelope. अब हमें probability निकालनी है कि कम से कम एक जो है वो इसके proper place में होगा। तो अब इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो total number of outcomes बनेंगी कि पहला letter 3 में से किसी एक person के पास जा सकता है, second letter 2 रह गए, थर्ड लेटर जो एक लेटर बचा, एक पर्सन बचा, उसी के पास जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए फॉर, या टोटल नंबर ऑफ आप कह सकते हो कि पॉसिबिलिटीज हो गई, दैट इज 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द एनवेलप, दैट इज 6। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर प्लेस। एटलीस्ट वन लेटर का मतलब कि वन माइनस नो लेटर इज इन इट्स प्रॉपर प्लेस। अब यहाँ ध्यान दो कि हमने निकालना है कि नो लेटर इज इन इट्स प्रॉपर प्लेस। मान लो पर्सन है ए बी और सी,
अब इनको जो है नो लेटर इज इन इट्स प्रॉपर प्लेस, मतलब ए को ए वाला लेटर नहीं मिलेगा, इसको या मिलेगा बी का या मिलेगा सी का, तो बी को बी वाला नहीं मिलेगा, इसको या मिलेगा ए का या मिलेगा सी का, सी को सी वाला नहीं मिलेगा, इसको या मिलेगा ए का या मिलेगा बी का। यानी कि एक पर्सन के लिए अगर हम बात करें तो टू वेज बनते हैं जिसमें ही कैन गेट नो लेटर इन इट्स प्रॉपर प्लेस। तो इट मींस जो हमारे इस केस में फेवरेबल आउटकम्स बनी दैट इज टू एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज सिक्स। यू कैन सी ये टोटल आपके पास यहाँ सिक्स है, फेवरेबल आपके पास टू है, तो वन माइनस टू बाय सिक्स दैट इज वन माइनस वन बाय थ्री दैट इज टू बाय थ्री। सो दिस इज योर आंसर। दोबारा देखो क्वेश्चन, थ्री लेटर्स आर डायरेक्टेड टू थ्री पर्सन्स एंड एन एनवेलप इज एड्रेस्ड टू ईच ऑफ देम। Letters are inserted into the envelope at random so that each envelope contains exactly one letter. Har envelope mein ek hi letter hai. Ab probability batani hai that at least one letter is in its proper envelope. At least one letter ya one hoga ya dono ke dono honge ya tino ke tino honge. So instead of making so many cases, jab is tarike se aata hai ki आपके पास एटलीस्ट जितने पर्संस हैं उतने ही हम मतलब मैक्सिमम लेके चल सकते हैं वन से, तो हम वन माइनस नो वाली ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी, जैसे आपने ग्रीन बॉल्स वाले केस में किया था। सो दिस इज वन माइनस नो लेटर इज इन इट्स प्रॉपर प्लेस, तो नो लेटर के लिए फेवरेबल केसेस टू, टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके सिक्स जो हम यहाँ भी निकाल चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज वन माइनस टू बाय सिक्स, टू बाय सिक्स कैंसिल होके वन बाय थ्री दैट इज टू बाय थ्री इज योर answer. So this was your question number 6. If any doubt is there in this, you can ask. Otherwise, moving on to question number 7. Question number 7 mein direct aapke formulae lagne hai. A and B are two events such that probability of A aapko given hai, probability of B given hai, probability of A intersection B given hai. First of all, you are to find out probability of A union B. First part mein हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लोगे, वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो अपना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 0.54, बी इज 0.69 और इंटरसेक्शन जो है दैट इज गिवन टू बी 0.35। सो दिस इज 0.88। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए intersection not B, A complement intersection B complement, so this will be 1 minus probability of A union B ka complement, probability of A complement intersection B complement, so this is probability of A union B complement 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू हमने निकाल ली है वहां पे, यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू पुट कर दोगे, सो यू विल गेट योर आंसर। सो दिस विल बी 0.12। अगले वाले में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सिंपली probability of A में से आप subtract कर दोगे probability of A intersection B। values हैं आपके पास, put करोगे 0.54 है probability of A, intersection B is 0.35, put the values and get your answer। same way में probability of B intersection A complement, so that will be probability of B minus probability of A intersection B। यहाँ ध्यान दो, जब A intersection B complement है, इसका मतलब A है but B नहीं है, and के साथ है ये condition।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से अगर हम उनकी जो कॉमन वाली इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बनती है वो माइनस कर देते हैं, तो इट मींस बी वाली वहां से एलिमिनेट हो जाएंगी. सो यू विल गेट योर आंसर. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 यू विल ट्राई योरसेल्फ फॉर योर होमवर्क एंड टुमारो वी विल डिस्कस. इफ एनी डाउट इज देयर इन टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क.